रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कुने के अलग इंटर कॉलेज सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याएं सुनी हैं और उनके समाधान का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ हिमालय बचाओ अभियान के तहत नालों की भी सफाई की है। विधायक ने कुनेला के इंटर कॉलेज में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय के विकास के लिए अपने स्तर से प्रयास करने का आश्वासन दिया है। वहीं विधायक ने केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में युवा संसद कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि इस बार राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय रानीखेत को संभाग स्तर पर युवा संसद में रोजगार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पर विधायक ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले समय में पानी की भारी समस्या आने वाली है, इसलिए सभी लोगों को जल स्रोतों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सुरेश फर्त्याल, प्रदीप बिष्ट, प्रमोद गयाल सहित कई लोग मौजूद रहे। रानीखेत से गोपाल सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे क्षेत्र में चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की भारी समस्या आने वाले दिनों में होने वाली है, तो हमको ग्रामीण लोगों को, हमारे युवाओं को और मातृशक्ति को जागरूक करने की बड़ी आवश्यकता है कि हमारे जब तक ये नौले और हमारे जो स्रोत हैं ये अगर सुरक्षित रहेंगे, अगर इनकी सफाई होगी, अगर हम इनकी सुरक्षा की चिंता करेंगे, तो आने वाले समय में हमको पेयजल की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए जागरूकता अभियान के तहत आज हमने नौलों की सफाई का अभियान शुरू किया है।